इंसान चला जाता है, रह जाती हैं बस उसकी यादें और उसकी खूबियां, जो सदियों तक एक मिसाल बनकर आने वाली पीढ़ी को राह दिखाने का काम करती हैं। हिंदी फिल्मों के दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक उन मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट में से हैं जिनका स्ट्रगल और काम हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। अपने 4 दशक के लंबे करियर में सतीश ने न सिर्फ कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, बल्कि एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है, जो हमेशा हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। 9 मार्च को सतीश कौशिक के निधन की खबर आने से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, पूरा देश ही गमगीन हो गया। सतीश उन कलाकारों में से थे जिन्हें हर उम्र हर तबके के लोग पसंद करते हैं और उनकी जगह को अब शायद ही कोई भर पाएगा। आज का यह वीडियो एक्टर, राइटर, डायरेक्टर व प्रोड्यूसर सतीश कौशिक को एक ट्रिब्यूट है, जिसके जरिए हम जानेंगे सतीश कौशिक की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। इसलिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। भैया तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया है, बंदे को शराफत अली कहते हैं। सेठ जी, इम्तिहानों के दिनों में है ना, मेरे भांजे की तबीयत थोड़ी नरम थी, इस करके नंबर थोड़े कम आए हैं। तू की स्टोरी इस तरह है कि मेरा एक है ना भांजा है, नाम उसका है राजा। मैं ना बहुत प्यार करता हूँ उसको। मैंने है ना उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी दांव पे लगा दी। ओ भाई, टिकट उधर मिलती है। अच्छा, अंग्रेज कोई सताए ना आधी रात को आवाज देना। आपका हर काम आधी रात को क्यों होता है? दिन में आप सोते हैं क्या? जी मैं सोऊं या जागूं? आप सर, ये जाम टेंडर्स के ना। उल्लू का पिल्लू किसी बजे हमारी घंटी सर। हम देखता हूँ, हम देखता हूँ, नहीं मैं देखता हूँ। और मैं नौकरी के लिए इसे किधर किधर नहीं लेके गया, और पर इसने और मेरी इज्जत की बेइज्जती करके रख दी सब जगह। और बोलता है इंडिया इज काऊ, इंडिया गाय है। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश कौशिक दिल्ली के करोल बाग में अपने माता पिता और 6 भाई बहनों के साथ रहते थे। सतीश की स्कूली पढ़ाई दिल्ली में हुई थी और दिल्ली के ही किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया था। सतीश को एक्टिंग से बचपन में ही लगाव हो गया था। जब फिल्मी पर्दे पर बड़े बड़े स्टार्स को देखा करते, वे उनकी तरफ काफी खिंच जाया करते थे। उन्हें लगता कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। सतीश कौशिक के पिता हरिसन ताला कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। सतीश ने एक्टर बनने की बात जब अपने पिताजी से कही तो उनके पिताजी उनकी बात सुनकर काफी हैरान हुए और कहा कि ये हमारा काम नहीं। उन्होंने ये तक कह दिया कि सतीश की शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए एक्टिंग का ख्याल छोड़ दें। मजे की बात इस पर सतीश की माँ काफी नाराज हुई और अपने बेटे के नयन नक्श की तारीफ की। इसके बाद सतीश ने अपने बड़े भाई को भी एक्टिंग फील्ड को अपना करियर बनाने की इच्छा बताई तो ये सतीश की बात सुनकर इतना भड़क उठे कि उन्होंने सतीश के मुँह पर चारपाई ही दे मारी। हालांकि सतीश कौशिक को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ा और जो उन्होंने ठान लिया था उसे करके ही दम लिया। एक इंटरव्यू में सतीश कौशिक ने बताया था कि पिक्चर देखने का मुझे बहुत कीड़ा था, लगता था ये जो महमूद साहब करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं, वो मैं भी कर सकता हूँ। सतीश ने बताया था कि महमूद भाईजान के पिक्चर्स मैं बहुत देखा करता था, वो शानदार एक्टर थे और मैं उन्हें देखकर कहता था कि ये काम तो मैं बाएं हाथ से कर सकता हूँ। मन में ये बैठ गया था जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। मशहूर टीवी शो जीना इसी का नाम है पर उनके एक दोस्त ने बताया था कि सतीश फिल्म देखने के बहुत शौकीन हुआ करते थे, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते थे। ऐसे में जब फिल्म देखने के लिए पैसे चाहिए होते थे तो घर पर सतीश एक ही किताब को 2 बार खरीदने का बहाना किया करते थे। सतीश को फिल्म देखने का इतना जुनून था कि कई बार तो अपनी ही किताबें बेच दिया करते थे और उन पैसों से फिल्म देखा करते थे। एक बार तो सतीश ने फिल्म देखने के लिए माँ के पैसे भी चुरा लिए। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अपनी माँ के तकिए के नीचे से उन्होंने एक बार 5 रुपए का नोट चुराया था और यह खबर पूरी गली में सबको पता चल गई, जिसके बाद उनका नाम लोगों ने हरी पत्ती रख दिया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सतीश ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में एडमिशन ले लिया, जहां एक्टर अनुपम खेर भी उनके साथ ही एक्टिंग कोर्स कर रहे थे और NSD से हुई उनकी दोस्ती सतीश कौशिक के आखिरी दिनों तक कायम रही। दिल्ली में एक्टिंग कोर्स पूरा कर सतीश ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से भी एक्टिंग का कोर्स किया और फिर किस्मत आजमाने मुंबई के लिए निकल पड़े। हालांकि NSD और FTII से पढ़ा लिखा एक्टर होने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था। सतीश के पास तब न काम था और न जेब में पैसे, और घर से पैसे मांगने की बात तो वो सोच भी नहीं सकते थे। मजबूरन गुजारे के लिए एक कंपनी में
उन्होंने नौकरी कर ली, जहाँ उनका काम था दीवार पर लटकी यार्न को लकड़ी से साफ करना। सतीश ने लगभग एक साल तक यह काम किया। सतीश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त कलेजा फट पड़ता था यह सोचकर कि दिल्ली से यहाँ मैं क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। बहरहाल किसी तरह सतीश को असिस्टेंट डायरेक्शन का काम मिल गया और करियर की एक शुरुआत भी हो गई। सतीश ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर साल 1983 में आई शेखर कपूर की फिल्म मासूम के जरिए अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग भी की थी और उसी साल आई एक और फिल्म जाने भी दो यारों के बाद सतीश ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक इंटरव्यू में सतीश कौशिक ने अपने स्ट्रगल के टाइम की बात करते हुए बड़ा ही दिलचस्प किस्सा बताया था। दरअसल सतीश उन दिनों कुछ बीमार थे और अस्पताल से एक्सरे कराकर लौट रहे थे। रास्ते में वे मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल जी से मिलने पहुंच गए और उनकी फिल्म में अपने रोल के लिए मांग की, जिस पर श्याम बेनेगल ने सतीश से कहा कि कोई फोटो हो तो दे दे, अगर उनके लायक रोल हुआ तो बता दिया जाएगा। उस समय सतीश जी के पास कोई ऐसी फोटो नहीं थी, लेकिन उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, सर फोटो तो नहीं है लेकिन मेरे पास मेरा एक्सरे है और मैं अंदर से अच्छा इंसान हूँ, आप देख सकते हैं। सतीश की इस हाजिर जवाबी पर श्याम बेनेगल बहुत ही इम्प्रेस हुए। उन्होंने खुद तो अपनी आने वाली फिल्मों में काम दिया ही, साथ ही इस वाक्य से सतीश को और भी जगह काम मिलने लगा। सतीश ने कई सारी फिल्में की, लेकिन उन्हें पहली बार सही मायने में पहचान फिल्म मिस्टर इंडिया से मिली थी, जिसमें उनका किरदार कैलेंडर काफी पॉपुलर हुआ। आगे चलकर सतीश कौशिक ने मोहब्बत, जलवा, रामलखन, जमाई राजा, अंदाज, मिस्टर और मिसेज खिलाड़ी, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, परदेसी बाबू, बड़े मियां छोटे मियां, हसीना मान जाएगी, राजा जी आप लौट चले, हम आपके दिल में रहते हैं, चल मेरे भाई हद कर दी आपने, दुल्हन हम ले जाएंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गॉड टू सी ग्रेट हो, और कागज समेत 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर के रोल में भी सतीश को खूब पसंद किया गया और वो उनकी पहचान बन गए। अवार्ड की बात करें तो फिल्म राम लखन और साजन चले ससुराल के लिए सतीश को 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। सतीश अपने कमिटमेंट के भी बहुत पक्के थे, जिसके बारे में मशहूर राइटर सतीश जैन ने एक किस्सा शेयर किया था। सतीश जैन ने राजा जी फिल्म में एक सीन लिखा था, जिसमें गोविंदा सतीश कौशिक के भांजे के किरदार में थे। ये दोनों मुंबई भाग कर आते हैं और जब इनके पास पैसे नहीं होते तो गोविंदा का किरदार पैसों के लिए सतीश कौशिक के किरदार का सोने का दांत निकालता है। जैन ने बताया कि सीन में सतीश कौशिक के दांत में सच में चोट लग गई थी, लेकिन उन्होंने दर्द में भी हंसते हुए पूरा सीन कम्प्लीट किया था। फिल्मों के साथ साथ सतीश ने वेब सीरीज की दुनिया में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है। उन्होंने कर्मयुद्ध, ब्लडी ब्रदर्स, गिल्टी माइंड्स, स्कैम 1992, द चार्जशीट इनोसेंट और गिल्टी और मे आई कम इन मैडम के अलावा हालिया रिलीज पॉपकॉर्न में भी शानदार काम किया और अपने आखिरी दिनों तक ओटीटी पर भी छाए रहे। ऐसा नहीं है कि सतीश कौशिक ने अपनी जिंदगी में सिर्फ कॉमेडी रोल ही निभाए हैं, उन्होंने कुछ फिल्मों में सीरियस रोल के अलावा कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी किए हैं और दर्शकों से गालियां भी खाई हैं। नेगेटिव रोल की बात करें तो सतीश कौशिक ने साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म लक्ष्मी में एक खतरनाक विलन रेड्डी का रोल निभाया था, जो छोटी छोटी मासूम लड़कियों का यौन शोषण और उनकी तस्करी करता है। फिल्म में सतीश ने इस घिनौने किरदार को इस तरह से निभाया है कि फिल्म देखने के दौरान आपको सतीश से नफरत हो जाएगी, इसका असर लंबे समय तक आपके जहन पर बना रहेगा। सतीश कौशिक ने करीब एक दर्जन से अधिक फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है, जिसकी शुरुआत रूप की रानी चोरों का राजा से हुई थी। हालांकि ढेरों दिग्गजों और उस वक्त की सबसे महंगे बजट की होने के बावजूद यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। एक इंटरव्यू में सतीश ने बताया था कि इसके सफलता से दुखी होकर उनके मन में सुसाइड तक का ख्याल आने लगे थे। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म साल 1995 में आई प्रेम थी, हालांकि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कारनामा नहीं कर सकी थी। बतौर डायरेक्टर कामयाबी का स्वाद सतीश ने साल 1999 में आई फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से चखा था। इस फिल्म ने उन्हें बतौर निर्देशक एक खास पहचान दिलाई थी और सुपरहिट साबित हुई थी। आगे चलकर सतीश ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म बनाई, जिनमें हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है और तेरे नाम जैसी ढेरों बड़ी और सफल फिल्मों के नाम शामिल हैं। साल 2009 में सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी फिल्म तेरे संग में सतीश ने टीन एज लव और उसके बहकते कदम पर आधारित बेहद संजीदा सब्जेक्ट पर भी एक फिल्म बनाई थी, जो बहुत कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन उसमें सतीश कौशिक के डायरेक्शन का एक और पहलू देखने को मिलता है। बतौर डायरेक्टर उनकी आखिरी रिलीज फिल्म कागज है, जिसमें एक्टर पंकज त्रिपाठी ने लीड रोल निभाया था। सतीश ने अपनी कई फिल्मों को खुद ही प्रोड्यूस भी किया था, साथ ही वे एक बेहतरीन राइटर भी थे। ढेरों फिल्में लिखने के साथ साथ सतीश ने अपने करियर की शुरुआत में ही कुंदन शाह की फिल्म जाने भी दो यारों के लिए उनके साथ मिलकर डायलॉग भी लिखे थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जाने भी दो यारों के लिए जब मैंने डायलॉग लिखे तब नहीं पता था कि उसे इतना क्लासिक दर्जा मिलेगा, क्योंकि हम वैसा ही कुछ कर रहे थे जो NHD या FTII में सीखा था। फिल्म इंडस्ट्री में अनिल कपूर और अनुपम खेर के साथ सतीश कौशिक की दोस्ती काफी मशहूर रही है। अनिल और सतीश कौशिक फिल्मों 7 दिन के जमाने से ही दोस्त हैं। वह अनुपम खेर और सतीश की दोस्ती 45 साल पुरानी थी। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया था कि जब वो तीनों मुंबई में होते थे तो जरूर मिला करते थे। सतीश यारों के यार थे,
वे अनुपम और अनिल का ही नहीं बल्कि अपने हर दोस्त का ख्याल रखते थे, जिसे जुड़ा एक मशहूर किस्सा भी जो सतीश की जाने के बाद काफी वायरल हो रहा है। इस किस्से को उनकी पुरानी दोस्त एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपनी किताब सच कहूं तो में लिखा था। दरअसल जब नीना गुप्ता बिना शादी के ही क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से प्रेग्नेंट हो गई थी और रिचर्ड ने शादी से इनकार कर दिया था, तब सतीश ने उन्हें बदनामी से बचाने के लिए शादी का प्रपोजल दिया था। सतीश ने नीना से कहा था कि चिंता मत करो, बच्चा अगर डार्क स्किन होगा तो कह देना कि वो मेरा है और हम शादी के बंधन में बच जाएंगे। सतीश का यह प्रस्ताव सुनते ही नीना की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उन्होंने शादी करने से मना कर दिया था और साल 1989 में बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया था और अकेले ही उसकी परवरिश की। हालांकि इसके बाद भी वो क्रिकेटर विवियन से टच में रही और आज तक है। दरअसल नीना को शादी का प्रपोजल देने से 4 साल पहले ही सतीश 1985 में शशि कौशिक से शादी कर चुके थे। एक इंटरव्यू में जब सतीश से पूछा गया कि इस पर उनकी पत्नी का क्या रिएक्शन था, तो सतीश ने बताया कि उनकी पत्नी नीना को अच्छी तरह से जानती थी और दोनों की दोस्ती को समझती थी। एक दोस्त होने के नाते नीना अक्सर उनके घर भी आती थी, ऐसे में उन्होंने भी दोस्ती की इज्जत रखी और कभी भी कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया। सतीश कौशिक की मौत के बाद नीना ने ट्वीट करके बताया कि इस दुनिया में एक ही आदमी था जो मुझे नैन्सी कहता था और मैं उसको कौशिकन। सतीश कौशिक ने अपने करियर के स्टार्ट होने के 2 साल बाद ही साल 1985 में शशि कौशिक से शादी कर ली थी। दोस्तों सतीश और शशि कौशिक की शादी के बाद एक दुखद घटना भी घटी जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। दरअसल उनके बेटे शानू ने महज 2 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि इस हादसे के बाद भी सतीश कौशिक पर्दे पर सबको हंसाते रहे और कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने इस दर्द को किसी से साझा नहीं किया, तो भीतर ही भीतर कितने टूट चुके थे। बाद में 56 साल की उम्र में सतीश कौशिक के घर में एक बार फिर से खुशियां लौटी और उनकी बेटी वंशिका का जन्म हुआ। सरोगेसी के जरिए जन्मी इस बच्ची के उनकी लाइफ में आने के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे दर्दनाक और लंबे इंतजार का अब अंत हो गया है। दोस्तों सतीश कौशिक का इस तरह से जाना उनकी फैमिली के साथ साथ उनके चाहने वालों के लिए भी एक बुरी खबर थी, क्योंकि किसी को नहीं खबर थी कि सतीश कौशिक जैसे जिंदा दिल आर्टिस्ट अचानक यूं ही हर किसी को रुला कर चले जाएंगे। नारा टीवी की पूरी टीम सतीश कौशिक को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनकी फैमिली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उन्हें इस दर्द को सहने की शक्ति दें। तो दोस्तों इसी के साथ ही सतीश कौशिक के जीवन पर बनी यह वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। सतीश कौशिक जी का कौन सा किरदार आप अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।